अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फेस पैक दही और नींबू से, जो कि हमारे स्किन पे बहुत अच्छी शाइनिंग ला देगा। काफ़ी ग्लोइंग स्किन हो जाती है इस पैक से। और अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो ये उनमें भी बहुत ही फ़ायदा करता है। तो चलिए बनाते हैं दही से फेस पैक। ये हमने 2 चम्मच दही लिया हुआ है और अब इसमें ऐड करेंगे हम लेमन जूस, 4 से 5 ड्रॉप। लेमन से हमारे स्किन पे जो धब्बे होते हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, स्किन शाइनी होती है, और दही से जितनी भी डेड स्किन होगी वो हमारी निकल जाती है। इस पैक को हम फेस पे अपने अच्छी तरह से मल लेंगे और 10 मिनट तक उसको फेस पे लगा रहने देंगे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे। और हाँ, जब हम फेस पे इसको लगाएंगे तो हम अपनी नेक पे भी ज़रूर लगाएंगे, और इसको 10 मिनट के बाद अच्छे से हल्के हाथों से रब करेंगे। फिर किसी टिश्यू से या सादे पानी से हम इसको धो लेंगे। तो चलिए अब हम फटाफट से बनाते हैं हमारा दूसरा फेस पैक, जो हमारे स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाएगा और सॉफ्ट सॉफ्ट फीलिंग आएगी, और सॉफ्ट भी हो जाएगा, सिर्फ फीलिंग ही नहीं आएगी। तो ये हमने ले लिया है 2 चम्मच बेसन, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं रोज़ वाटर। रोज़ वाटर से जो हमारे स्किन के पोर्स ओपन होते हैं वो काफ़ी हद तक क्लोज होते हैं। और हाँ, ये रोज़ वाटर आप फ्रिज का रखा ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। अब इसमें ऐड करेंगे हम लेमन जूस। अगर आपकी स्किन लेमन जूस से इरिटेट होती है तो आप लेमन जूस स्किप कर दीजिएगा। ये अच्छे से हमने इसको मिक्स करके हम अपने पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई करेंगे और 10 मिनट के लिए सूखने देंगे। हाँ जी, ये हो चुके हैं 10 मिनट। अब हम इसको अच्छे से फिंगर से अपने रब करेंगे और फिर इसको सादे पानी से वॉश कर लेंगे। दोनों ही फेस पैक बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये आपको कैसे लगे। थैंक यू।